हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट जो बहुत परेशान कर रहा है, तो चलिए ये इसको समझ लेते हैं, ये लीब्रा कैल्क में कैसे प्रयोग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इज इक्वल टू का निशान लगाना है और यहां पे टाइप करना है एस यू बी एस टी आई टी यू टी ई, सब्स्टिट्यूट पूरा लिख देना है आपको और फिर शिफ्ट के साथ 9 नंबर अल्फाबेटिक बटन प्रेस करना है, क्योंकि एक्सेल नहीं है आप टैब नहीं प्रेस कर सकते हैं, आप अगर टैब प्रेस करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। अब हमें राम का नाम चेंज करना है ना, ठीक है, राम को सेलेक्ट कर लिया हमने, अब कॉमा दे देते हैं, राम का सेल एड्रेस C4 है। ओके, अब राम के नाम में हमें क्या करना है, M हटा देना है। सपोज कीजिए M हटाना है तो M को लिख दीजिए डबल इंटेड कोट्स में, लिख दिया। अब M को हटा करके क्या जोड़ना है, M N A N D, यही जोड़ना है हमको, ठीक है ना, ये जोड़ना है, M को हटाना है और ये जोड़ना है। ठीक है, ये लगा दिया हमने इस तरीके से, और इसको भी रखना है आपको डबल इंटेड कोट्स में, ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिखना होगा। ओके, क्लियर एवरीथिंग। अब इसको क्लोज कीजिए और आप प्रेस कीजिए एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देख सकते हैं राम नंद यहां पे लिख करके आ चुका है, जैसा कि हमने दिया हुआ था वैसे ही यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ अगर आप ड्रैग कर देते हैं तो सब में यही चीज अप्लाई हो जाएगी, लाइक लास्ट में जहां पे एम होगा वहां पर ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी, और जहां पे M नहीं मिलेगा इसको तो उसको जस का तस ये छोड़ देगा। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं इसमें। अब हम ये चाहते हैं कि हम पूरा नाम ही हटा दें, लाइक यहां पे सब्स्टिट्यूट लगाता हूं, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, लगा दिया, यहां पे ब्रैकेट को ओपन किया। ठीक है, अब यहां पर राम को हटा देना चाहते हैं हम राम की जगह क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं यहां पे मनोज, तो यहां पे लिख देता हूं पहले तो राम लिखेंगे, राम को ही हटा रहे हैं ना, तो यहां पर राम लिख दिया हमने डबल इंटेड कोट्स में, इसी को हटाना है। एक बार सेलेक्ट भी करेंगे फिर यहां पर जिसको हटाना है उसका पूरा नाम देंगे, फिर यहां पर आइए, यहां पर आने के बाद आप दे दीजिए उनका नाम जिनका यहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये दे दिया हमने एम ए एन ओ जे, इस तरीके से क्लोज कर दिया और अब एंटर प्रेस करेंगे तो राम की जगह मनोज आ चुका है। आप देख सकते हैं अगर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये, चूंकि श्याम की जगह तो कुछ देना नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना नहीं है, ठीक है, तो ये जस का तस रहेगा, बाकी यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला इसी तरह से काम करता है। अब देखिए, अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर श्याम को हटा रहा हूं, ठीक है, तो श्याम को हटाऊंगा तो वापस से टाइप करूंगा एस यू बी सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, ये टाइप कर दिया हमने, और टाइप करने के बाद क्या करना है, श्याम को ले लेना है इस तरीके से। अब श्याम में मैं एम हटा देना चाहता हूं या फिर ए हटा देना चाहता हूं, कुछ भी जो आपको हटाना हो, लाइक यहाँ पे मैं M को हटाना चाहता हूं तो यहाँ M लिख दिया, M को हटा देना चाहता हूं, और क्या लगाना क्या चाहता हूं, यहां पे लगाना चाहता हूं M A N A N D, ठीक है, यानी श्याम का नाम कर देना चाहता हूं M हटा करके श्यामानंद, इस तरह से करना चाहता हूं, तो ये देखिए श्यामानंद ये बन चुका है। ठीक है, लेकिन इसको नीचे ट्रैक करेंगे ना तो आपका सेम वही चीज आ जाएगा, यानी कि इसको नहीं ये सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट करने के लिए किसको बनाया, इसको बनाया, ठीक है, सिर्फ श्याम को बनाया, तो बाकी की चीजें ऐसे की जैसे कि तैसे रहेंगी, बाकी की चीजें सब्स्टिट्यूट नहीं होंगी। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा, और अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोई तो इसमें काफी अहम रोल ये अदा कर सकता है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।